मेरा गांव से वापस नहीं आया। ठीक है, उसके आने का हम इंतजार। लाला लिहाज ये काम होएगा। मीरा देवी जमीन बेचने के लिए राजी हो गई? काम होएगा। अच्छा, लाला कहाँ रह गया? बैठो बैठो, आ रहा है। ठीक है लाला, कौन है? ए लाला, जय राम। अब जय राम कर रहा हूँ, एक घंटा हो गया सर, अब जय राम कर रहा है। अब आराम है? अरे सर, हमें तकलीफ पड़ती है। आओ आओ आओ। अबे और कैसा हो रहा है, कैसा हो? आओ वहाँ बात बताओ। कौन सी बात, कैसी बात? वही लाला है। लाला है? लाला तो लाला तेरी आ चुका और झुके हुए इस बार और साफ साफ बतला मुझे है परिवार क्या और साफ साफ तेरे माथे पर पसीना और मायूस चेहरा। ठाकुर साहब, हाय हो गई और बात तू वहां बेकार। आज बलेला गांव जाना हमारा बेकार हो गया। हाय हो गई और बात तू वहां बेकार और कर दिया है दी इनकारी। लाला, उस हराम करके मीरा देवी ने उस कमीने ने जमीन देने के बजाय उसने तुझे चारों दिखाया और मुझे गालियां दिया। और जिन गालियों को सुनकर, अरे जिन गालियों को सुनकर तू हम सब बताने चलाया। लाला, अरे तू मर्द नहीं, मर्द के नाम पर तो भूल गए। क्या बात है चमकीला, क्या उसने आपको बहुत गंदी गंदी गालियां दिया? तो बताओ आखिर बात क्या है? पूरी बात बताओ। कैसे पूरी बात? बता तो चुके हैं मालिक, उसने झाड़ू को हाथ में उठाया और आपको गालियां ही देना सुन चुका हूँ। लाला, अरे चमकीला बोल, तू बात क्या है? बताओ, झाड़ू दिखाई से ये गाली झाड़ू दिखाई से आ चुके हैं, क्या उसमें बताओगे? लाली कितना लंबा झाड़ू था, हाथ में उठाया और आपको बस गालियां देना शुरू कर दिया। चमकीला बता क्या बात है? ये बताओ, बोल तो बोल क्या बात है? ये गाल झाड़ू दिखाई से और इनका बुढ़िया खूब झाड़ू रहने किसी है। कोई भी तारी नहीं बजाया। लाला, बहुत होने क्या गए? अरे तो उस मीना देवी की झाड़ों से मार खा कर क्या है, तुझे शर्म नहीं आई? चमकीला, इसी वक्त हमारे दोस्त मित्राज को बुलाओ, हम उससे मिलकर के बात करना चाहते हैं।
बैठो। मेरे यार काम खुमली ने चुआ पका और हुए ने चला दोस्त मेरे बदलाइए और बना कौन है तो सुनो क्या बात और क्या बदलाऊं और तो मेरे और लगी करे जे और क्या बदलाऊं किसी इंसान में इतनी हिम्मत रही थी कि कोई भी इंसान हमारे तुम्हारे सामने सर उठाकर क्या बात अरे कौन बात करेगा जिसने सर उठाकर बात करने की जुर्रत किया है उसका सर अमित राज ने हमेशा कलम कर दिया। अमित राज उस मीना देवी ने जमीन तेरे से इनकार तो कर ही दिया और उस कमीने ने हमें गंदे गंदे तुम्हें गंदी गंदी गालियां दिया और लाला ने सुन लिया क्यों लाला जिस वक्त उस मिनिया ने जमींदार को गालियां दिया था और हराम चादी को रस्से में बांध कर यहां क्यों नहीं लाया ये क्या लाएगा जब ये खुद मीना देवी से झाड़ू की मार मार खाकर हाँ मित्राज हाँ इसीलिए चेहरे को झुकाकर खड़े हो लाला काहे नहीं बोलते हैं इनकी बोलती यह बंद इनका बुढ़िया बहुत हनके से है झाड़ू एक मर्द होकर उस तालियां मत बजाओ वरना भगवान कसम तालियां बजाने वाले हाथ नहीं सलामत रहेंगे। लाला एक बुढ़िया के हाथों से झाड़ों की मार खाकर आया है अरे अपने आप को मर्द कहलाता है अरे तेरी शक्ल पर एक बार नहीं लाख बार अमित राज हमें उस मीना देवी की जमीन चाहिए और उस जमीन को पाने के लिए चाहे हमें खून की दरिया बहानी पड़े और या चाहे लाशों के फिकर मत करो यार वैसे तो मैं सोचता था उस मिनिया को उसकी जमीन की कीमत दिलवाऊंगा लेकिन अब उसे जमीन की कीमत नहीं मिलेगी उस बुढ़िया की जमीन तुम्हारे नाम होगी और जो लाला की बेचती हुई है उसका बदला नहीं लाला मायूस मत हो मेरे यार तुम हटाओ
मायूस मत हो लाला, अपने सर को मत झुका कर खड़े हो, सर एकदम सीधा कर दो और हाथ में हंटर ले लो, मेरे साथ बड़ेला गांव को चलो, मार मार कर साली को लहूलहान कर दो। मेरे यार तुम फिक्र मत करो, तुम हवेली के अंदर बैठ कर हमारा इंतजार करो, मैं अब बड़ेला गांव से तो भी वापस आऊंगा जब मीना देवी की जमीन तुम्हारे नाम कर। एक है मेरा लाला, हिम्मत बांधो फिर चलो। अरे हाँ, बहुत सारे उल्लू के पटे। मीरा देवी, मेरा कलिया, तूने ठाकुर रवि सिंह को गाली देकर दुश्मनी का बीज बोया है। अरे कसम है, कसम पैदा करने वाले की, अगर तेरी जिंदगी को